ख्रिस्तमा वाला भाइयों बहनों स्वजनों, दर वर्षे 19 डिसेम्बर ना रोज समग्र धर्मसभा संत नेमेसियस नो त्यौहार उजवे छे। तेमने नेमेसियस ऑफ एलेक्जांड्रिया तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ते मिसर देशना रहेवासी हता। राजा तार्जन सियुस तेमने एलेक्जांड्रिया बोलाव्या कारण तेमनी पर केटलाय आरोप लगावामां आव्या हता। तेमनी पर चोरी करवानो आरोप हतो, परंतु तेमने साहजिक रीते ए आरोपनी अवगणना करी अने तेने बेबुनियाद बताव्यो। त्यारे तरत ज तेमनी पर बीजो एक आरोप मुकवामां आव्यो के ते ख्रिस्ती छे। त्यारे तेमने आ बाबतथी गर्व थयो के ते ख्रिस्ती छे। ख्रिस्ती होवाने कारणे तेमनी उपर केटलाय प्रकारना अत्याचार करवामां आव्या, केटलाय प्रकारनो त्रास गुजारवामां आव्यो। तेमने राजा द्वारा जीवता सड़गावी देवामां आव्या। त्या उभा रहेला चार सैनिकोए निश्चय कर्यो के ते ख्रिस्ती श्रद्धा ने ख्रिस्ती विश्वास ने लोको सुधी पहोंचाडशे। अने तेमणे पण लोको समक्ष जणाव्यु के तेओ पण ख्रिस्ती छे। ते चारे सैनिको ने न्यायाधीश समक्ष लई जवामां आव्या। ज्यारे तेमणे न्यायाधीश समक्ष लई जवामां आव्या त्यारे न्यायाधीशे ते चारे सैनिकोनुं माथुं कापी नाखवानी सजा फरमावी अने ते सहज रीते प्रभु ईसु माटे पोताना जीवननुं बलिदान आपवा तैयार थया। अने तेओए हसता हसता प्रार्थना करता प्रभु माटे पोताना प्राण न्योछावर करी दीधा। कहेवामां आवे छे के राजा तार्जन सियुसना शासन दरमियान ख्रिस्तीओ पर खूब ज अत्याचार गुजारवामां आव्यो। केटलाय ख्रिस्तीओने मौतने घाट उतारी देवामां आव्या, केटलायने जीवता सळगावी देवामां आव्या, तो केटलायनुं माथुं कापी नाखवामां आव्युं, तो केटलायना हाथ पग कापी नाखवामां आव्या। आ प्रकारे केटलाय अत्याचारो ख्रिस्ती भाई बहेनोए सहन कर्या। आवो ख्रिस्तमा वाला भाईओ बहेनो, आपणे संत नेमेसियसनी मध्यस्थीथी प्रार्थना करीए के आपणे પણ પ્રભુ ઈશુ પર શ્રદ્ધા રાખીએ, વિશ્વાસ રાખીએ અને આપણું જીવન પ્રભુ માટે સમર્પિત હોય, પ્રભુના કાર્યો માટે સમર્પિત હોય અને સદાય પ્રભુ માટે બલિદાન આપવા તત્પર રહીએ। જય ઈશુ, આમીન।